हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर हियर विथ वेरी वेरी स्पेशल सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट ऐसा है ऑल एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग पीपल इन वर्कमैन कैटेगरी एज वेल एज वर्किंग पीपल इन मैनेजरियल कैटेगरी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का टॉपिक आपको पूरी डिटेल में बता देगा कि आपके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस कहां से गवर्न होते हैं, कैसे वर्कआउट होते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। इसके बारे में हमने आपको पहले भी एक दो वीडियो डाला है, लेकिन वो बेसिक है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डोंट मिस, वॉच फुल वीडियो। लेट अस स्टार्ट। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स और उसके साथ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी होते हैं, उसका हम प्रोसेस बता देंगे, पूरा गाइड बताएंगे टिल 2024 तक। तो शुरू करते हैं। ये जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं या तो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, इट गवर्न्स बाय द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। इट्स ए सेंट्रल एक्ट। अंडर दिस एक्ट हमने आपको पहले दो वीडियो में बताया है कि वर्कमैन किसको कहते हैं, सुपरवाइजर किसको कहते हैं और मैनेजर किसको कहते हैं। एक वीडियो हमने इंग्लिश और हिंदी में भी डाला है और दूसरा वीडियो हमने मराठी में भी डाला है। आपको देखना है तो हमारा ये यूट्यूब का चैनल भी है, लिंक है, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या तो यहां हमने आपको स्पेसिफिक लिंक दिया है। मराठी का अलग से है और हिंदी का भी अलग से। ये दोनों भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के पहले आप ये पहले दो वीडियो आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर कैसे बनता है, प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, अगर ट्रेनी है तो ट्रेनी का मतलब क्या होता है। ये सब हमने आपको पहले ये दो वीडियो में एक्सप्लेन किया है। वो अगर आपको समझ में आएगा तो फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर कैसे बनता है, क्यों बनता है, यह सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो हमने अर्लियर वीडियोज में, इन शॉर्ट हम आपको बताने वाले हैं कि व्हाट वी डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियोज। एक तो एक्ट क्या है, उसका एप्लीकेबिलिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए कैसा होता है, वर्कमैन के लिए कैसा होता है, उसमें हमने वर्कमैन कौन है वो लीगल डेफिनेशन दिया है, सुपरवाइजर का भी दिया है, टाइप्स ऑफ वर्कमैन एंड इट्स डेफिनेशंस भी दिया है, देयर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में भी हमने आपको बताया है। ये सब जानने के बाद आज के वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, या तो सर्टिफाइड और स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी क्या होता है, वो करना जरूरी है नहीं। हम बहुत ही आपके डाउट्स जो भी है उसके पूरे डाउट्स के सवाल के जवाब देने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या कंसिडर करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इसका उद्दिष्ट क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दिस मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, मीनिंग ऑफ द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड इट्स टाइप्स अंडर शेड्यूल वन, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन कुछ गाइडलाइंस, उसके अंडर ही ये सब मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स आते हैं। किस किस के लिए आते हैं, फर्स्ट है फॉर वर्कमैन डूइंग मैन्युअल और टेक्निकल वर्क, फॉर वर्कमैन एम्प्लॉयड ऑन क्लेरिकल और सुपरवाइजरी वर्क, एंड फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट। ये तीनों के लिए अलग अलग स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, इसका मतलब अलग अलग एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस भी है।
आगे का पॉइंट हम डिस्कस करें, इज इट मैंडेटरी टू गो फॉर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स? मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स अगर है तो आपको सर्टिफाइड करने की जरूरत है क्या? उसका आगे का पॉइंट है, इफ एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट, इन सच केस वो लोगों के एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे बनते हैं? और फाइनली सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड इट्स अ प्रोसेस, इसके बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है इसके पहले, तो जरूर आप सब्सक्राइब करो, आपका पूरा वीडियोस के लिंक ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपके कमेंट भी लिखो, लाइक करो और शेयर्स करो अपने ग्रुप में। हम अभी आपको वन बाय वन वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्टैंडर्डाइज द सर्विस कंडीशंस ऑफ द सेट ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। सेट ऑफ वर्कमैन मीन्स हमने आपको जैसे एक्सप्लेन किया, फर्स्ट इज वर्कमैन डूइंग मैन्युअल और फिजिकल वर्क, सेकंड वर्कमैन डूइंग क्लेरिकल और सुपरवाइजरी वर्क, और वर्क इन जनरल, ये दीज आर द थ्री सेट्स। उनके लिए इसके अंडर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के गाइडलाइन देते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड इट्स टाइप्स अंडर शेड्यूल वन। मीनिंग यह है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेंट्रल एक्ट और अ स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज एक्ट, द एक्ट टू सर्व एज अ मॉडल एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन एज अ गाइडलाइन इन अब्सेंस ऑफ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू ऑल एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट। एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है जिस एस्टेब्लिशमेंट को यह एक्ट एप्लीकेबल है उनके बारे में यह सब फॉलो करना पड़ता है। लेट सी टाइप्स ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। हमने आपको जैसे इन नटशेल बताया कि फर्स्ट फॉर वर्कमैन डूइंग मैन्युअल और टेक्निकल वर्क, इनके लिए अलग से एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस का डिस्कशन किया है, गाइडलाइन दिया है। दीज ऑर्डर शैल अप्लाई टू ऑल वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट टू डू मैन्युअल और टेक्निकल वर्क। इसमें मेजॉरिटी वर्किंग पीपल वर्किंग विद देयर ओन हैंड्स एट शॉप फ्लोर, उसमें फिर अनस्किल रहेगा, सेमी स्किल रहेगा, स्किल रहेगा, हाईली स्किल रहेगा, कुछ सुपरवाइजर भी होंगे, कुछ क्लर्क भी हो सकते हैं, ये अलग अलग कैटेगरी उनके टर्म्स अलग है। दूसरा नेक्स्ट है फॉर वर्कमैन एम्प्लॉयड ऑन क्लेरिकल और सुपरवाइजरी वर्क, दोज जैसे हमने देखा कि मैन्युअल और टेक्निकल के लोगों के अलग है, ये वर्कमैन एम्प्लॉयड ऑन क्लेरिकल और सुपरवाइजरी वर्क मतलब स्टाफ कैटेगरी या तो सुपरवाइजरी कैटेगरी, इनके लिए अलग से सेटअप गाइडलाइन आता है एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए। और थर्ड है वर्किंग जर्नलिस्ट, दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू ऑल वर्किंग जर्नलिस्ट एम्प्लॉयड इन द न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट। सो अलग अलग लोगों के सेटअप लोगों के लिए अलग अलग एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। ऑल द अबव मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स बाय एंड लार्ज इश्यूज द गाइडलाइंस फॉर द फॉलोइंग। इसमें नॉर्मली क्या आता है देखते हैं, वो किसको एप्लीकेबल होता है, इट्स एप्लीकेबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ मैनेजर भी दिया है कि लीगल व्यूज में रियल सेंस में कौन मैनेजर है, वो भी हमने आपको हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन एंड इट्स मीनिंग सच एज परमानेंट किसको कहते हैं, प्रोबेशनर किसको कहते हैं, बदली और सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, टेम्पररी क्या है, कैजुअल एम्प्लॉय क्या है, एंड अप्रेंटिसिस का मतलब क्या है, यह सब इसमें कवर होता है। उसके सिवाय लिस्ट ऑफ मिसकंडक्ट एंड इट्स अ प्रोसेस भी है
कि आपका बिहेवियर विद इन द प्रीमाइसेस, आउटसाइड द प्रीमाइसेस, विद इन द ग्रुप कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी गाइडलाइन है। प्रोबेबल डिसिप्लिनरी एक्शंस भी बताया है उन्होंने, उसका प्रोसेस भी बताया है, किस केस में वार्निंग देना है, किस केस में सस्पेंड करना है, किस केस में आप डिसमिस कर सकते हैं, ये सबका गाइडलाइन इस एक्ट में है। कैजुअल लीव इंटाइटलमेंट भी दिया है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि कैजुअल लीव कहां से आता है। ये कैजुअल लीव स्टैंडिंग ऑर्डर से आता है। एज ऑफ रिटायरमेंट का भी गाइडलाइन दिया है एंड प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन और लिविंग द जॉब, उसका नोटिस पे, इसके सब के बारे में मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स में गाइडलाइन होता है और उसके हिसाब से हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज इट मैंडेटरी टू गो फॉर सर्टिफाइड मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ये तो आजकल के जमाने में इन जनरल सिनेरियो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज और मैनेजमेंट्स आर कंफ्यूज। दे आर अंडर इंप्रेशन कि दे हैव टू गो फॉर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लेट्स सी, इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। क्यों रिस्पेक्टिव स्टेट्स? एज रिस्पेक्टिव स्टेट्स आर एम्पावर्ड टू इंट्रोड्यूस देयर ओन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एज अ गाइडलाइन। तो फर्स्ट थिंग यह है कि हर एक स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर दिया है कि आप अपने मॉडल रूल्स इंट्रोड्यूस करो। इसके बारे में आपको स्टेट रूल्स देखना पड़ता है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक ये बताया है इन महाराष्ट्र एंड इन गुजरात दे हैव देयर ओन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड हेंस इट इज नॉट कंपल्सरी टू गो फॉर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। इसीलिए यू कैन सी, यू कैन गेट द डिटेल्स फ्रॉम द कमिश्नर अथॉरिटी, कितने लोग आरटीआई के अंडर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यू विल गेट कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट डजंट हैव देयर ओन सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, दे फॉलो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एड्स इट फुलफिल्स एम्प्लॉयर्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स, दे आर इक्वली स्ट्रांग। इतना पावरफुल होते हैं कि एम्प्लॉयर का हर एक एंगल से इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, वो तो हम आपको बाद में बताएंगे, उसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ती वो भी हम बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस एक्ट, इन सच केस व्हाट टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एम्प्लॉयर नीड टू फॉलो। ये भी बहुत बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमें अगर एक्ट एप्लीकेबल है तो वी कैन डू एनीथिंग। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इन सच केस एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द वर्कमैन आर गवर्न बाय द फॉलोइंग। फर्स्ट थिंग, एम्प्लॉयर हैज टू कंसिडर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वाइल एम्प्लॉइंग। While issuing the employment terms and condition, employer has to take this point also into consideration. Then issue proper appointment letter or any other letter required by the employer, giving required clauses in accordance with the model standing orders and considering the positive area practices. ये सब करना पड़ता है, क्योंकि principles of natural justice such a vast subject. प्रिंसिपल दोनों पार्टी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहता है हमेशा, इसीलिए इट इज बेटर यू फॉलो द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स गाइडलाइन। व्हाट विल हैपन, दिस कैन हेल्प बोथ द पार्टीज टू मेंटेन द हार्मोनी टू इंश्योर द स्मूथ एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। यू जस्ट कांट एम्प्लॉय एनीबडी फॉर 2 years प्रोबेशन पीरियड और 5 years ट्रेनिंग पीरियड। नो, इट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। हेंस
It is better you follow the guidelines given under the model standing orders and principles of natural justice. And last point, certified standing orders, and it's a process. It's a very lengthy process and it has its own merits and demerits. उसके बारे में हम डिटेल में आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जल्दी हम उसके बारे में वीडियो लेके आएंगे. लेकिन आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और आपका कमेंट्स भी दे दो. हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे. हम जल्दी आएंगे, मोस्टली नेक्स्ट वीक आएंगे सेकंड वीडियो के साथ. टिल देन गुड बाय.